Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, chemical bonding chapter number 6. Chemical bonding में से आज हमारा छठा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिवस मॉडल्स में से कोवेलेंट बॉन्ड और फिर लास्ट में हम देखेंगे व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ लिवस मॉडल्स. अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने आयोनिक बॉन्ड जिसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं उसको डिस्कस किया था और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसको डोनर एक्सेप्टर लिंकेज या जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं हमने उसको डिस्कस किया था. आज हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स और फिर लास्ट में लिमिटेशंस ऑफ लिवस मॉडल्स. तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड है. अगर आपको याद हो हमने आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम पढ़ा था इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम पढ़ा था डेटिव बॉन्ड. तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं. लिवस और कोसल के मुताबिक ये ऐसा बॉन्ड है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बिटवीन टू एटम्स. आयोनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था इट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. फिर हमने डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना था जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो था दैट वाज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स. ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड है इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है. यानी अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है शेयर के लिए तो दूसरा भी एक देगा. तो दिस इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स. कोवेलेंट बॉन्ड है कि अगर हम इसमें देखें तो ये बॉन्ड बनता किन के दरमियान है. ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड ये बनता है बिटवीन एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स विद लो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देखें पीरियोडिक टेबल में एक एंड पे फर्स्ट ग्रुप है और दूसरे एंड पर है ग्रुप 7A के एलिमेंट्स है. मैं ग्रुप 8A जो है क्योंकि वो नोबल गैसेस हैं उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है उनको डिस्कस नहीं कर रहा. ये हमारे पास है हैलोजेंस. अक्रॉस द पीरियड अगर हम इस तरफ को मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो उसका डिफरेंस कम होता जाएगा. जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है फ्लोरीन की 4 है तो यहां पर डिफरेंस ज्यादा है 1.9 का है. लेकिन अगर हम यहां पर फ्लोरीन से बिल्कुल साथ वाला मेंबर देखें ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है तो देखें ऑक्सीजन और फ्लोरीन का डिफरेंस 0.5 बचेगा. तो क्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन एटम कम होता जाएगा. और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाएगा तो बॉन्ड कोवेलेंट होता जाएगा. अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.6 या इससे कम हो तो बॉन्ड कोवेलेंट होता है. अगर 1.6 से ज्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो बॉन्ड आयनिक होता है. अब ये भी क्वेश्चन जेन में आता है अच्छा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा जाए HF में तो HF में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है इस बॉन्ड को भी आयोनिक होना चाहिए लेकिन ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट है. क्यों? क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल्स के दरमियान बन रहा है. तो ये ऐसा बॉन्ड है जो तब बनेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा जब दो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे के करीब करीब पड़े होंगे.
ये जो कवलेंट बॉन्ड है दिस इज ट्रू बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है इसको हम डैश या लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक लाइन जो है वो एक पेयर को शो कर रही होती है इलेक्ट्रॉन के, जैसा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान है। तो कवलेंट बॉन्ड, जैसे जैसे हम पीरियाडिक टेबल के राइट साइड पे जाएंगे तो जो राइट साइड पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड कवलेंट बॉन्ड होगा। अगर हम ऐसे बॉन्ड बनाए कि एक एलिमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट पे है दूसरा राइट पे है, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा और आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये जो कवलेंट बॉन्ड है, कवलेंट बॉन्ड बनेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अब कब होगा, जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के करीब करीब पड़े हुए होंगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा। अदर टाइप्स ऑफ कवलेंट बॉन्ड, कवलेंट बॉन्ड की टाइप्स में पहली है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर शेयर हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है दो एटम के दरमियान, यानी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, अगर दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो उसको सिंगल कवलेंट बॉन्ड, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो डबल कवलेंट बॉन्ड, और अगर तीन तीन शेयर करें तो ये ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी या आयोनिक करेक्टर, याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज कॉल्ड आयोनिक करेक्टर, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर द आयोनिक करेक्टर, इसी को हम पोलैरिटी कहते हैं। इसकी बेस पे बॉन्ड पोलर कवलेंट बॉन्ड होगा और नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड होगा। और लास्ट में है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जो है उसका फैशन क्या है, उसका वे क्या है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से, जिसको हम लीनियर ओवरलैपिंग भी कहते हैं, जिसको फेस टू फेस ओवरलैपिंग भी कहते हैं, या इसको हेड ऑन अप्रोच कहते हैं। जबकि जो पाई बॉन्ड है ये पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, और पैरेलल ओवरलैपिंग को लैटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ये जो लास्ट टाइप है इसको हम जब डिस्कस करेंगे जब हम वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, बाकी टाइप्स अभी डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिक करेक्टर, आयोनिक करेक्टर मैंने अभी बताया दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पोलैरिटी। इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक नॉन पोलर और दूसरा पोलर कवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले लेक्चर में भी बताया था कि अगर 0 से 0.4 तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो हम ऐसे बॉन्ड को कहते हैं ये नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड है। 0 से 0.4 तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो ये नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड होगा, और अगर 0.4 से 1.6 तक हो जाए, सॉरी 0.5 से अगर 1.6 तक हो जाए तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कवलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा 0.5 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो बॉन्ड पोलर ही होता है, चाहे वो आयनिक क्यों ना हो, आयनिक बॉन्ड तो सारे पोलर होते हैं। तो ये 0.5 से 1.6 तक पोलर कवलेंट बॉन्ड होगा। तो ये ऐसा बॉन्ड है जो मोस्टली बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स बनता है। आइडेंटिकल का मतलब है होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर का मतलब है दोनों न्यूक्लियस सेम होंगे। अब जब दोनों एटम दोनों न्यूक्लियाई सेम होंगे तो फिर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा दैट विल बी इक्वली शेयर्ड, दैट विल बी बिटवीन टू एटम्स। ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बिल्कुल सेंटर में पड़ा होगा, इक्वली शेयर्ड होगा दोनों के दरमियान। सिमिलरली क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पेयर है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे क्लोरीन के साथ वो शेयर करेगा, इस तरह दोनों क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहां से काउंट करें, ये इस क्लोरीन के भी देखें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस क्लोरीन के भी इधर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो ये नॉन पोलर कवलेंट बांड है। अब जरूरी नहीं है नॉन पोलर कवलेंट बांड बिटवीन आइडेंटिकल एटम हो, अगर बिटवीन आइडेंटिकल एटम हो तो हम उसको कहते हैं प्योर कवलेंट बॉन्ड है। लेकिन जैसा कि मीथेन है, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, तो इसलिए इस बॉन्ड को भी हम नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड ही कहते हैं ये वाला बॉन्ड, हालांकि ये बिटवीन डिफरेंट एटम्स है। तो ऐसा बॉन्ड जो बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स हो तो वो वाला बॉन्ड होगा प्योर कवलेंट बॉन्ड, और अगर डिफरेंट एटम हो लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से कम आ जाएगा तो ऐसा बॉन्ड भी नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड ही होगा। तो पोलर कवलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स देखें, यहां पर फ्लोरीन एज बिटवीन सिमिलर एटम्स है, ब्रोमीन ये भी सिमिलर एटम, आयोडीन भी सिमिलर एटम के दरमियान है, कार्बन हाइड्रोजन सिलिकॉन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, इसकी वजह से ये वाले बॉन्ड भी पोलर है। जबकि ये जो CCl4 है, अगर आप CCl4 की बात करें तो CCl4 मॉलिक्यूल नॉन पोलर है लेकिन इसके बॉन्ड्स पोलर है। तो ये वाला अगर हम बॉन्ड्स की सिर्फ बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड की बात करें तो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड पोलर है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। अगर आप कार्बन में देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 है, लेकिन अगर क्लोरीन का देखें तो ये ऑलमोस्ट 3 है, तो दोनों के दरमियान डिफरेंस 0.9 का आ जाएगा। इसका मतलब है ये वाला बॉन्ड जो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान है ये पोलर होगा, और इसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्लोरीन के ज्यादा करीब होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो CCl4 में याद रखिएगा कार्बन और क्लोरीन के सारे बॉन्ड पोलर हैं, लेकिन एज अ होल जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि याद रखिए जब भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री परफेक्ट होती है ऐसा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होने के लिए पहली कंडीशन, ज्योमेट्री परफेक्ट होने के लिए नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, अगर सेंटर वाले एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि जो सेंट्रल एटम के साथ सारे एटम अटैच हैं वो सिमिलर होने चाहिए, एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम आर सिमिलर, कि जो सेंटर वाला एटम है उसके साथ जितने भी एटम अटैच हैं, एटम अटैच टू सेंट्रल एटम आर सिमिलर, एटम अटैच टू सेंट्रल एटम ये सिमिलर होंगे, तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कि ये नॉन पोलर है। ये दो कंडीशन आपने याद रखनी है कि सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो, और फिर नंबर टू पे सारे एटम सिमिलर हों। जैसा कि देखें हमारे पास ब्रिलियम क्लोराइड है, ब्रिलियम पर कोई लोन पेयर नहीं, इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो ही इसने बॉन्ड बना लिए, तो ये जो है ब्रिलियम क्लोराइड बन गया, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है और जो एटम अटैच है वो सिमिलर है। अब जितना ये क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, उतना ये अट्रैक्ट करेगा, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां पर अगर आप ब्रिलियम और क्लोरीन के बॉन्ड की बात करेंगे, दिस इज पोलर, ये भी ब्रिलियम और क्लोरीन का बॉन्ड पोलर है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल की पोलैरिटी जीरो, यानी यहां पर बॉन्ड पोलैरिटी तो है लेकिन मॉलिक्यूलर पोलैरिटी जीरो है। सेम CCl4 में भी ऐसे ही होता है, इक्वल डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जितना एक क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उतना ही दूसरा अट्रैक्ट करता है और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार के चार बॉन्ड बन गए, इसका मतलब इस पर कोई लोन पेयर नहीं है। अगर कोई लोन पेयर नहीं है और सिमिलर एटम अटैच है, सारे सिमिलर है, तो इसका मतलब है ये वाला बॉन्ड जो है ये नॉन पोलर हो जाएगा, मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन इसमें सारे जो कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड है ये पोलर है, मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलैरिटी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है, बॉन्ड पोलैरिटी डिफरेंट चीज है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी डिफरेंट है। तो बॉन्ड पोलैरिटी CCl4 में है, इसी तरह आप देखें बोरोन के वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने तीन बॉन्ड बना लिए, BF3, इसका मतलब इसके पास लोन पेयर नहीं हो सकता, इसने तीन बॉन्ड बना लिए, और सारे एटम भी एक जैसे जुड़े हुए हैं,
इसका मतलब है ये वाला मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है, इसमें मॉलिक्यूलर पोलैरिटी जीरो है, लेकिन मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलैरिटी है, सारे बोरोन और फ्लोरीन के बॉन्ड पोलर हैं। सिमिलरली अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी बॉन्ड पोलैरिटी तो है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अगर बॉन्ड पोलैरिटी देखी जाए मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलैरिटी तो मौजूद है लेकिन मॉलिक्यूलर पोलैरिटी जीरो है, क्योंकि जितना एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा उतना ही दूसरा भी अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर आपने फर्क समझना है बॉन्ड पोलैरिटी में और मॉलिक्यूलर पोलैरिटी में। तो CCl4 जो है ये मॉलिक्यूल तो इसमें बॉन्ड पोलैरिटी तो है लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर पोलैरिटी जीरो है। इस तरह से हमें पता चल जाता है किसी भी मॉलिक्यूल के पोलर नॉन पोलर होने का। यहां देखें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर है, क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान भी एक पेयर है। हम जब भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है तो हम उसको सिंगल लाइन से शो करते हैं, जैसा कि यहां पर देखिए सिंगल लाइन है, यहां पर भी सिंगल लाइन है। और अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, तो हम उसको दो लाइनों से लिखेंगे। CCl4 कार्बन के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब है इसको फर्दर कंप्लीट करने के लिए चार और चाहिए। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये एक एक क्लोरीन से शेयर कर लेगा, क्लोरीन पर भी 8 हो जाएंगे और इस तरह कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओवरऑल मॉलिक्यूल की पोलैरिटी जीरो है लेकिन बॉन्ड पोलैरिटी इसमें भी मौजूद है। तो CCl4 का जो मॉलिक्यूल है ये ओवरऑल पोलैरिटी इसमें जीरो है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, बॉन्ड इसके सारे के सारे पोलर हैं। अब आ गया दूसरा बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक करेक्टर। ये वाला बॉन्ड जो है ये पोलर बॉन्ड है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से लेकर 1.6 तक होना चाहिए। अगर ये वाला होगा तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, और पोलर कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो इक्वली शेयर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिकल हो जाती है। इसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इट्स मोर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये उस तरफ को होगा, उस एटम की तरफ ज्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, बिटवीन टू एटम वो सेंटर में नहीं रहेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक करेक्टर में अगर हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स देख लें तो इसमें HF है, HF का बॉन्ड पोलर होता है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा इसकी तरफ होगा। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। इस तरह फ्लोरीन के टोटल 8 हो जाएंगे और हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, लेकिन ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इट विल बी मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ये एक हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा और दूसरा दूसरे हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। इस तरह जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ मेथल क्लोराइड में अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तो वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जबकि एक इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन के साथ शेयर करेगा और इस तरह कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड पोलर है, यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड पोलर है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड की और एग्जांपल्स मेथानोल, मेथानोल जो मिथाइल अल्कोहल है इसमें ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड भी पोलर है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी पोलर है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से भी ज्यादा है और कार्बन से भी ज्यादा है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन तो ये शेयर कर लेगा हाइड्रोजन के साथ,
लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड जो है इसकी पोलैरिटी आप कह ले ये नॉन पोलर है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो जस्ट 0.4 है। तो ये कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर लिए, 1 इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा, और इस तरह ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर आ जाएंगे। देखें यहाँ पर ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी ओ और एच का बॉन्ड पोलर है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सी और ओ का बॉन्ड भी पोलर है। तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से 1.6 तक हो। अब है ऑन द बेसिस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल के इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए हैं, या दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर हैं। तो सबसे पहले है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जब इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है दो एटम के दरमियान, यानी जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है दूसरा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है। तो जब दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन का एक पेयर हो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और इस एक पेयर में से ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देता है, और इस तरह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है जिसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स देख लें तो यहाँ पर देखें डाइसिलेन है, डाइसिलेन में सिलिकॉन और हाइड्रोजन। देखें सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, वैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये डाइसिलेन है तो इसका मतलब है यहाँ पर एक और सिलिकॉन का मॉलिक्यूल होगा, उस सिलिकॉन के मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन तो ये आपस में शेयर कर लेंगे। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन अब ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है बिटवीन सिलिकॉन और हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पर भी सिलिकॉन हाइड्रोजन के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये सिलिकॉन है SI। इसी तरह यहाँ पर सिलिकॉन और हाइड्रोजन के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यहाँ पर भी सिलिकॉन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, यहाँ पर भी एक पेयर है और यहाँ पर भी। इस तरह देखें आप दोनों जो सिलिकॉन है इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं और हर जगह पर इलेक्ट्रॉन का एक ही जो पेयर है वो शेयर्ड है। तो यहाँ पर सारे जो है हम इस सिंगल लाइन से शो करेंगे क्योंकि ये सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल लाइन, इधर भी ये भी सिंगल लाइन, टोटल यहाँ पर 7 बॉन्ड्स बन जाएंगे। सिमिलरली डाइसिलेन की तरह इथेन है जिसमें सिर्फ सिलिकॉन की जगह पर कार्बन आ गया, दोनों का तल्लुक एक ही ग्रुप से है सिलिकॉन और कार्बन का, तो यहाँ सिर्फ आपने सिलिकॉन की जगह पर कार्बन कर देना है तो ये इथेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, और दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन का एक पेयर आ जाता है। अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन के दो पेयर आ जाएं तो उसको कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, और इसको हम दो छोटी लाइनों से, दो स्मॉल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा। डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक पेयर शेयर करवाते हैं, यानी एक एटम भी इलेक्ट्रॉन का एक पेयर और दूसरा भी एक पेयर, इस तरह दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन के दो पेयर आ जाते हैं और डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। जैसा कि देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है ये इसका तल्लक छठे ग्रुप से है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल 6 का मतलब है इसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा क्योंकि जो दूसरे वाला ऑक्सीजन है उसके वैलेंस शेल में भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का एक एक पेयर शेयर करवा लेंगे, जबकि इनके पास दो दो लोन पेयर बच जाएंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएंगे। इस तरह देखें इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जबकि जो दूसरे वाला हमारे पास ऑक्सीजन है उसके भी इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और दोनों के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड, यानी हम इसको दो लाइनों से रिप्रेजेंट करेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया और ये नॉन पोलर बॉन्ड होगा क्योंकि ये बिटवीन सिमिलर एटम्स है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें
तो यहाँ पर भी देखें कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इसको 4 कार्बन कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड में एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से शेयर कर लेता है और दूसरी तरफ 2 ऑक्सीजन दूसरे से शेयर कर लेता है, इस तरह कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और आएंगे 2 कार्बन से शेयर करने के बाद, यहाँ पर टोटल 8 हो गए और यहाँ पर भी 2 लोन पेयर आएंगे और 2 कार्बन के साथ शेयर करने के बाद यहाँ पर भी 8 हो गए, यानी यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर है और दूसरी तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूलर पोलैरिटी इसमें 0 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन जितना एक तरफ अट्रैक्ट करेगा दूसरा ऑक्सीजन उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर पोलैरिटी 0 है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी मौजूद है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर है। एक और एग्जाम्पल देखें इथीन की, इथीन में कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे कार्बन के वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब जो एक एक इलेक्ट्रॉन ये वाला बच जाएगा ये हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा, तो इस तरह से टोटल कार्बन का ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजन से शेयर करने के बाद। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल आठ बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कवलेंट बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक ही पेयर है, इस तरह से डबल कवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। याद रखिएगा डबल या सिंगल या ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड भी आगे पोलर या नॉन पोलर हो सकते हैं। अब है ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हो रहे होते हैं, यानी हर एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन देता है और इसको हम 3 लाइनों से शो करते हैं, इस तरह से 3 लाइन से शो करते हैं इस कवलेंट बॉन्ड को, ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड को। ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स भी कुछ देख लेते हैं, जैसा कि देखें यहाँ पर है एसिटाइलीन या इथाइन है, कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के 3-3 पेयर हो जाएंगे और यहाँ जो बॉन्ड बन जाएंगे 3 बन जाएंगे, टोटल 3-3 इलेक्ट्रॉन हर कार्बन ने यहाँ पर शेयर करवा लिए, एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करवा लेंगे और इस तरह से देखें दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और दोनों कार्बन के दरमियान यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन कार्बन के दरमियान और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन की एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो एक नाइट्रोजन वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक और ये 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयर करवा लेगा, यहाँ पर दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करवा लिए, इस तरह टोटल इसके पास दोनों नाइट्रोजन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, दोनों के दरमियान ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड बन गया और हर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी हो गया। तो ये टाइप्स हो जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। अब है लिमिटेशंस ऑफ लिवस मॉडल्स। लिवस मॉडल्स हमने पढ़े आयोनिक बॉन्ड, कवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड। लिवस मॉडल हमें क्या बताते हैं? लिवस मॉडल एफिशिएंटली सक्सेसफुली एक्सप्लेन करते हैं कि बॉन्ड कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। एक कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स दैट इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। ये हमें बताते हैं बॉन्ड बनेगा कैसे, क्या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेगा, क्या शेयर करने से बनेगा, क्या जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो बॉन्डेड एटम में से एक देगा। ये लिवस मॉडल एफिशिएंटली एक्सप्लेन करते हैं, क्या एक्सप्लेन नहीं करते। लिवस मॉडल हमें नहीं बताते मॉलिक्यूल की शेप्स, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रीज,
लिवस मॉडल जो है ये शेप्स और ज्योमेट्री को, इसके अलावा ये बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड पोलैरिटीज को, और फिर डिफरेंट एनर्जी ट्रांजिशंस को जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बताती है, ये सारी जो हैं लिमिटेशंस हैं ये लिवस मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, शेप, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पोलैरिटीज, ये नेक्स्ट थेरीज में हम डिस्कस करेंगे, वेस्पर, वीबीटी, और इसके साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन में भी ये बातें हम जो लिमिटेशन है लिवस मॉडल्स की ये कवर करेंगे। ये थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।